नमस्कार मेरे भाइयों, मेरा नाम भरत सामनानी है और टोयोटा मोटर्स ने जो है राइज को जो है जापान में लॉन्च कर दिया है। ये कार जो है 5 सीटर कॉम्पैक्ट SUV है। ये कार जो है इंडिया में भी लॉन्च हो सकती है। ये गाड़ी जो है एक वैल्यू फॉर मनी कार हो सकती है। इस गाड़ी की कंपटीशन जो है महिंद्रा की XUV300, हुंडई वेन्यू, मारुति ब्रिजा, टाटा नेक्सन और फोर्ड इको स्पोर्ट्स के साथ है। यह कार का इंजन और प्लेटफॉर्म जो है टोयोटा और सुजुकी आपस में शेयर करेंगे। टोयोटा इसमें जो है TNGA प्लेटफॉर्म यूज करेगा। ये कार जो है टोयोटा बेंगलुरु के प्लांट में मैन्युफैक्चरिंग करेगी। अगर हम इस गाड़ी के इंजन की बात करें तो इस गाड़ी में जो है आपको 1 लीटर का टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन मिलेगा जो आपको 98 BHP की पावर देगा और 140 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। ये इंजन जो है BS6 होगा। ये इसमें जो है आपको मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिलेगा। इसमें आपको 4x4 और 4x2 भी मिल सकता है। अगर हम इस गाड़ी के फीचर्स की बात करें तो 9 इंच का जो है टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले और नेविगेशन भी मिल सकता है। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, क्रूज कंट्रोल, क्लाइमेट कंट्रोल, सॉफ्ट टच डैशबोर्ड, कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट और स्टॉप बटन। इसमें आपको इंडिया में सनरूफ भी मिल सकता है। उसके बाद अगर हम इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो 6 एयरबैग्स, ABS और EBD, रिवर्स पार्किंग कैमरा एंड सेंसर, सीट बेल्ट रिमाइंडर, स्पीड अलार्म सिस्टम, ऐसे बहुत सारे फीचर्स और सेफ्टी फीचर्स आपको इस गाड़ी में मिलेंगे। इसकी लेंथ जो है 3995 की है। इसकी विड्थ जो है 1695 की है। इसकी हाइट जो है 1620 की है। इसका व्हील बेस जो है 2525 का है। इसकी लेंथ, व्हील बेस और बूथ स्पेस जो है ब्रिजा और वेन्यू से भी ज़्यादा है। इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस जो है 185 mm का है। इसमें आपको 369 लीटर का बूथ स्पेस मिलेगा। ये गाड़ी जो है 7 लाख से स्टार्ट हो सकती है और 12 लाख तक जा सकती है। इसमें आपको 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिलेंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा